my channel. This is your boy Amit Prajapati. This is a girl Payal Prajapati. And this is girl Khushbu Prajapati. So guys, आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं. नहीं. So आज हम आपको दिखाने वाले हैं using only orange things for 24 घंटा घंटा घंटा. So guys, जितने भी चीजें हम यूज करेंगे खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और ओढ़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए ऑरेंज 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 और सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज. जितनी भी चीजें बैकग्राउंड में दिख रही है हमने कोशिश की है वो सारी की सारी चीजें जो है वो ऑरेंज ऑरेंज एंड ओनली ऑरेंज हो, जिससे आप कमेंट्स में ना लिखो कि अमन भैया ये ऑरेंज नहीं है, ये ऑरेंज नहीं है, ये ऑरेंज नहीं है. इसलिए जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमने लगाया यहाँ पे ऑरेंज तोरण, ऑरेंज सोफा सेट जो हमने बनाया है विंडो का पर्दा लगाकर, यहाँ पे ऑरेंज पिलो कवर, ऑरेंज बेडशीट, ऑरेंज कंफर्टर, ऑरेंज बलून, ऑरेंज फ्लावर्स, ऑरेंज अमन भैया का ड्रेस. चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरेंज डे. आज तुझे कैसा लग रहा है ये ऑरेंज चैलेंज सूट करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऐसा मन कर रहा है ना कि कंफर्टर अभी सोना. ना 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 सोना नहीं है, सोना नहीं है. तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ही कम वीडियोस आजकल शूट हो पा रही है. सो गाइस को प्रॉमिस करो तुम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शूट करोगे. सो गाइस आज है ना हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए अभी बज रहे सुबह के 10 और सुबह उठते ही हम तीनों भाई बहन करते हैं ब्रश सबसे पहले. सो चलिए सबसे पहले ब्रश करते हैं. सो गाइस ये समय है ब्रश करने का, इसलिए ब्रश करने के लिए आज हमारे पास ये ऑरेंज कलर का टूथपेस्ट और ये ऑरेंज कलर के ब्रशेस. सो गाइस देख रहे हो आज का दिन कितना अच्छा है, हमें सारी की सारी चीजें ना आसानी से मिल रही है, हमें कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ रहा. अभी का मौसम है ठंडी का, तो ठंडी में हम आते हैं छत पे ब्रश करने के लिए क्योंकि हमें बहुत मजा आती है. अरे इतने भी डिटेल में नहीं दिखा रहा कि हम ब्रश कर रहे हैं, और वैसे भी हमने ऑलरेडी ब्रश कर लिया, अब हम मुंह धोने ही जा रहे हैं. सो गाइस ब्रश करने के बाद डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हमें बहुत जोर से लगी है भूख. क्या बन रहा है आज? आज बनेंगे पोहे. क्या बनेंगे? पोहे बनेंगे. ऑरेंज चैलेंज में आज हम खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में ऑरेंज कलर की प्लेट में ऑरेंज कलर का पोहा. अरे रुको रुको रुको, ये तो दो प्लेट है और लोग हैं हम तीन. oh, no. तू इसमें खाने वाली है ना? वो नहीं खाने वाली है, खाने वाली है तू, क्योंकि तेरा डिसाइडेड नहीं था ना कि तू चैलेंज करने वाली है कि नहीं करने वाली, इसलिए तेरा ना सामान हम नहीं लेकर आए थे. चलेगा कोई बात नहीं, मैं इसमें ही खा लूंगी क्योंकि बर्तन तो बर्तन होता है. क्या बर्तन तो बर्तन होता है, ये कहाँ का डायलॉग है? मैं खाऊंगी इसमें, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें. मुझे पता है गाइस ये इसमें खाने के लिए क्यों राजी हो गई, क्योंकि ना इसको इतना बड़ा चम्मच से खाना था ना, इसलिए इसको शरारत करने में ना बहुत मजा आता है. और भैया ये चमची नहीं है, ये चमचा है. और गाइस हमारे पास कोई भी चम्मच नहीं है, इसलिए हम लोग हाथ से ही खाने वाले हैं. हाँ गाइस मैंने बहुत ढूंढा चम्मच लेकिन मुझे कहीं भी है ना ऑरेंज कलर का स्पून मिला ही नहीं. और गाइस पोहे के साथ हम लोग पीने वाले हैं ये ऑरेंज जूस. गाइस मम्मी की हेल्प से खुशबू ने ना आज बहुत ही टेस्टी सा पोहा बनाया है, और आज मैं इसकी पहली बार खाने की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये डिजर्व करती है इसलिए. अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो. अगर एक्टिंग करेगी ना और तो है ना मैं बोल दूंगा कि बकवास बनाया था. नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, ठीक है? हाँ बस गाइस अच्छा बनाया था. ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी आती है नहाने की. थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन चलेगा गाइस, नहाना तो जरूरी है ना. सो हमने नहाने के लिए बहुत सारी सामान लेकर आ चुके हैं. सो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं. सो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लेकर आया हूँ ये 150 रुपए वाला टूवेल, 10 रुपए वाला संतूर साबुन, और मैं लेके आई हूँ ये ऑरेंज कलर का फेस वॉश, मैं लेकर आया हूँ ये शैम्पू, मैं लेके आई हूँ ऑरेंज कलर का शावर जेल, मैं लेके आई हूँ ये ऑरेंज कलर का बकेट. और गाइस हमारे पास ना मग नहीं था तो हम इस ऑरेंज कलर के बाउल से ही नहा लेंगे. सो गाइस फटाफट से हम लोग जाते हैं नहा कर आते और फिर बताते हैं कि हम लोग क्या क्या सामान लेकर आए हैं तैयार होने के लिए. सो गाइस मैंने बात ले लिया, जब तक दीदी नहाने गई है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सजने और सवरने के लिए क्या क्या लाई हूँ. सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये ऑरेंज कलर का पर्स, और मुझे ये नहीं पता कि मैं ये पर्स क्यों लेके आई हूँ, बट मुझे बहुत ही प्यारा लगा था इसलिए मैं लेके आ गई हूँ. और मैं लेके आई हूँ ये दो ऑरेंज नेकलेस, बहुत सारी चूड़िया, कुछ मेरे लिए और कुछ दीदी के लिए. मेरे हाथों में बहुत सारी चूड़िया है. और मैं लेके आई हूँ ये दो कंघे अपने बाल को कॉम करने के लिए, दो ऑरेंज कलर का नेल पेंट,
लगाने वाला हेयर क्लिप, अपना फेस देखने के लिए क्यूट सा मिरर, बहुत सारे नकली बाल, एक भैया के लिए, एक मेरे लिए और एक दीदी के लिए, एक हाथ पूछने के लिए रुमाल। आलिन खुशबू, इस बार तुम लोग लेकर आए हो ऑरेंज कलर के मेकअप प्रोडक्ट्स मेकअप करने के लिए? इस बार हम लेके तो नहीं आए, पर हमने ना एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ किया है। बताऊं, ये देखो, ये ना हमारे पास ब्लैक कलर का ये ब्रश था, इसके ऊपर हमने है ना ऑरेंज कलर का ऊन लगाया और बन गए ना हमारे ऑरेंज कलर के ब्रशेस। फर्स्ट टाइम ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगा रहे हैं, हमने कभी भी है ना ऑरेंज कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई है। आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा हम पिंक, रेड, ब्राउन ऐसी लिपस्टिक लगाते हैं, पर कभी भी हमने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई है। अब मुझे तो बहुत ही धक 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 हो रहा है कि मैं ना ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाने के बाद फनी ना दिखूं। बस तू लगने ही वाली है, मुझे पता है। फैशनेबल आइटम्स पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ है ये ऑरेंज कलर का कर्ली कर्ली सा नकली हेयर, देख रहे हो कितना सुंदर मैं लग रहा हूँ। और मैंने पहना हुआ ये पर्स, पहना हुआ है ये 200 रुपए का शर्ट, बहुत ही महंगा सा पैंट। मुझे गाइस ऑरेंज कलर का पैंट कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मॉल में मुझे मिल गया, ये एक ही पीस पड़ा हुआ था। और मैंने गाइस पहना हुआ है ये ऑरेंज कलर का शूज, मुझे ये शूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने ले लिया ये ऑरेंज चैलेंज के लिए। सो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना आपका ये अमन भैया हैंडसम लग रहा है ना। मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, और मेरे में ना ये कर्ली कर्ली हेयर से ना बहुत ही शूट कर रहा है। तो गाइस भैया ने तो अपना लुक बता दिया, अब हम बताते हैं कि हमने क्या क्या पहना हुआ है। सो गाइस सबसे पहले हमने पहना है ये ऑरेंज कलर का विग, जो हम पे बहुत ही फनी लग रहा है, और हमने किया हुआ ये ऑरेंज कलर का मेकअप, और पहना हुआ है ऑरेंज कलर की ज्वेलरी, और हमने पहना ये ऑरेंज कलर का कुर्ती, और पहना हुआ ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा, और हमने पहना है ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ, और गाइस खुशबू के पास है ऑरेंज कलर का बैग। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ हम दोनों में से सबसे ज्यादा क्यूट कौन लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि मैं खुशबू से सुंदर लग रही हूँ और मैं दीदी से सुंदर लग रही हूँ, और गाइस हमने प्लाजो भी पहना है। आपको हमारे हर एक चैलेंज में डोसा, वरना इडली, वरना ढोकला, वरना पोहा ही देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि हमें यही सब चीजें ना खाने को पसंद आती है, और मम्मी हमारा हर बार है ना फेवरेट बनाती है इसलिए। मुझे तो डोसा बहुत ही अच्छा लगा, मेरा ना एक डोसे में ही पूरा पेट भर चुका है, और 2-3 घंटे के लिए मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। खुशबू तुझे कैसा लगा डोसा? मुझे तो डोसा बहुत ही अच्छा लगा, जो नारियल की चटनी थी ना वो बहुत ही यम्मी थी। सो गाइस आप देख ही सकते हो मेरे हाथ में कितने सारे ऑरेंज कलर की साड़ियां हैं, मैं ना इन्हें एक एक करके ट्राई करूंगी, और आप प्लीज कमेंट में बताना कि मुझ पे कौन सी साड़ी अच्छी लगी। फिर से कहना गाइस, इतनी सारी साड़ियाँ चेंज कर करके मैं तो थक गई। गाइस
लंच करने के बाद मैं पायल और खुशबू सो गए थे और अब है बारी हमारे खेलने कूदने की, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं ऑरेंज कलर का क्यूट सा बैडमिंटन और लेकर आए हैं स्किपिंग। पहले ही नहीं दिखाना था, जब मैं बोलता ना स्किपिंग तब दिखाना था, पहले ही हर बार दिखा देती है गाइस। ठीक है फिर से बोल, फिर से और लेकर आई है स्किपिंग। सो गाइस अब मैं स्किपिंग करने वाली हूँ और आप लोग मेरा स्टाइल देखो। सो गाइस इसके पास कोई स्टाइल वाइल नहीं है, इसने कभी किया ही नहीं है, आपको क्या दिखाएगी। मैंने किया हुआ है। तूने कभी नहीं किया, मुझे पता है ना। किया हुआ है, मैं जब इससे छोटी थी ना तब मैंने किया हुआ है। इससे छोटी मतलब मैं अभी जितनी हूँ ना उससे भी छोटी थी ना तब मैंने किया हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आता है। अच्छा ठीक है, दिखा गाइस को तू कैसा करती है। ठीक है ठीक है, चल कर। बस मुझे पता चल गया तुझे आता है। क्लैप 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 गाइस, उसने बहुत सारा कर लिया एक बार में। क्योंकि मुझे आती थी इसलिए मैंने तुझे बोला ना कि मैं कर सकती हूँ। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर आवर स्नैक्स और हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की इधर ऑरेंज स्नैक्स अवेलेबल है। सो सबसे पहले हमारे पास है रेड एंगल, कुरकुरे, टू यम चिप्स, सोया स्टिक, सम ऑरेंज वेफर्स, चीज बॉल, सम ऑरेंज टॉफीज और लास्ट में है हमारे पास सम ऑरेंज फ्लेवर्ड बिस्किट्स। डिनर और डिनर में हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बनाकर खा ले, क्योंकि हमारे पास थोड़ी भी हिम्मत नहीं है किचन में जाकर कुक करें कि ऑरेंज ऑरेंज फ्लेवर की डिशेस बनाए और खाए। सो गाइस इसलिए हम लोग ने सोचा है कि हम लोग ये वाला ऑप्शन जो है यिप्पी मैजिक मसाला नूडल्स पहले सीधा कर ले फिर है ना बताना गाइस को। ले बस अब तो सीधा है ना। हाँ सो गाइस हम लोग ने सोचा कि यही हम खाने वाले हैं और आपको तो पता ही होगा कि इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। सो गाइस ऑरेंज कलर के चम्मच से हम लोग खा रहे हैं ऑरेंज कलर के प्लेट में ऑरेंज कलर की यिप्पी मैगी। बस कर यार कितना बोलेगा, खाने दे मुझे। और गाइस पी रहे हैं हम लोग ऑरेंज कलर का फेंटा। सो गाइस ये जो केक है, केक तो दिखा बहन, सॉरी भैया। सो गाइस ये जो ऑरेंज केक है हमने बनवाया था 300K सब्सक्राइबर्स के सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन ऑरेंज चैलेंज करने से पहले हमारे 300K सब्सक्राइबर्स हुए ही नहीं, इसलिए अब हम इसे खुशबू का एडवांस बर्थडे केक समझकर कटवा देते हैं खुशबू से। मैं तो अपने बर्थडे के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आप लोग हो मेरे बर्थडे ब्लॉग के लिए एक्साइटेड और ये वाला केक आपके लिए। सो होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू भैया का चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।